अस्सलाम वालेकुम, हमारे YouTube चैनल उमर इलेक्ट्रिक में आप सब दोस्तों को खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ कि आप सब दोस्त खैर व आफियत से होंगे। तो प्यारे दोस्तों, आज हम आपको दिखाएंगे कि सीलिंग फ़ैन जो है वो किस तरह से लगाया जाता है। सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं कि राड के ऊपर जो उसका मोनोग्राम है, ऊपर वाला जो कैप होती है वो हमने लगाई है। उसको लगाने के बाद उसके साथ एक पेच होता है, स्क्रू पेच, उसको टाइट करेंगे। अगर उसको इस स्क्रू को अगर आप पहले ही टाइट कर लेंगे तो ये जो उसकी कैप है वो नीचे नहीं आएगी और वो अच्छे तरीके से फिक्स हो जाएगी। तो इसको फिक्स करने के बाद आपने जनाब ये पंखे के जो पर हैं उनको टाइट कर लेना है। उनको इस तरीके से टाइट करना कि इसके अंदर एक पेच के साथ छोटा सा जो है फाइबर की वाशल होती है और एक जो है लोहे की वाशल होती है जो इसके साथ दी गई होती है, वो वाशल ज़रूर लगाएं ताकि जो बैलेंस है पंखे का वो यकसार है, एक जैसा रहे। तो अभी हम जो है इसको लगाने लगे हैं। 30 वाट का फ़ैन है, इसके अंदर ये जो आपको ब्लैक चिप नज़र आ रही है ये 30 वाट की इलेक्ट्रॉनिक जो इन्वर्टर इसमें लगा हुआ है, जिसकी वजह से ये 30 वाट का मोटर जो है इसकी इंस्टॉलेशन है। और जो 50 वाट होता है या 100 वाट का होता है उसके अंदर जो है 3.5 का कैपेसिटर लगा होता है। तो इसमें ये जो है लगा है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट लगा है, चिप लगी है, जिसकी वजह से ये जो वाट है 30 वाट लेगा। कम बिजली पे भी ये जो पंखा है आपको अच्छी हवा मैसर करेगा। तो इसी तरह से जी, अब इसके जो राड है, राड के साइड इसकी मोटर को हमने टाइट कर दिया। अब इसके कनेक्शन की है, कनेक्शन के बाद जो इसके ऊपर वाली मोटर की कैप है उसको हम लगाएंगे। वो लगाने के बाद इसके साथ एक स्क्रू होता है जो राड के अंदर इंस्टॉल होता है, उसको आप ज़रूर लगाएं ताकि अगर आप राड का स्क्रू जो है टाइट करेंगे तो मोटर जो है खुलेगी नहीं। अगर आप उसको टाइट नहीं करेंगे तो मोटर के खुलने का खदशा होगा, तो जिसकी वजह से पंखा जो है नीचे भी गिर सकता है, जाने नुकसान भी हो सकता है और पंखे का नुकसान भी हो सकता है। तो अब जो इस पंखे के पर हैं वो किस तरह से लगाए जाते हैं, ये देखें। अगर मोटर के आप नीचे पर लगाएंगे, पर लगाने के बाद इसके दो पेच होते हैं जो 4 स्क्रू ड्राइव से जो टाइट होते हैं इस तरह से। ये आप देख रहे हैं कि हम इसकी जो है स्क्रू ड्रिल से तीनों पर जो है अच्छी तरह से टाइट कर दिए हैं। तो इस तरह से हमने एक फ़ैन नहीं लगाया, ये 12 से 15 पंखे थे जो हमने इस तरह से लगाया। ये आप देख रहे हैं सीलिंग में, इसको हम सीलिंग फ़ैन भी कहते हैं। सीलिंग फ़ैन हमने 4, ये जो है टीवी लॉन है, टीवी लॉन में 4 सीलिंग फ़ैन हमने इंस्टॉल किए हैं। ये जो जंजीर नज़र आ रही है इस पर हम जो है फनूस लगाएंगे। तो इसका भी जो कनेक्शन है आ चुका है, फनूस जो अभी अनअवेलेबल था तो बाद में लगाएंगे। तो प्यारा दोस्त, हमारे उमर इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।